अब क्या रणनीति है आपकी? देखिए अगले पाँच सात दिन के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें 50,000 लोग आएंगे। उस रैली के बाद में लोगों से पूछेगा कि हमें क्या फैसला करना है, किस तरीके से करना है, और उसके बाद में ये रेगिस्तान का झाग पूरे राजस्थान में महिलाओं के मान सम्मान के लिए हम शेखावाटी में जाएंगे। शेखावाटी के प्रत्येक विधानसभा में जाके इन मंत्रियों के काले कारनामे बताएंगे, सरकार के काले कारनामे बताएंगे, और इन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को बदनाम करने का किया पूरे हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर वन पर लाके और हमें कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे बर्खास्त करने का काम किया, विधानसभा में मुझे बोलने के अधिकार से वंचित किया गया, इसके खिलाफ मैं जाके जनता के बीच में जनता की अदालत में जा रहा हूँ। सर जनता की अदालत में जाएंगे आप, बसपा से लड़ते हैं आप, कहते हैं 1100 लोग है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए राजस्थान में जाके सरकार के अंदर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सारी मंत्री परिषद का जाल को टेस्ट करा दीजिए, पता चल जाएगा दुष्कर्मी हमारे सरकार के अंदर बैठे हैं, सारे दुष्कर्मी इन्हीं की वजह से हमारा राजस्थान कलंकित हुआ है, महिला अत्याचार में दुष्कर्म में, और ये प्रदेश एक नंबर पर आया। आपको लगता है कि आप खुद पार्टी बनाएंगे? देखिए ऐसा मेरे लोगों से मिलकर बात करूँ, राजनीतिक दल आपके संपर्क में, देखो वो सारी बातें आगे की बात, मेरी पार्टी में लोगों ने मिलकर मेरे हाथ से छीन ली, पूरी ताकत लगा के मुझे पूरी तरह से ये विधानसभा की बाहर ही नहीं आ पाए, 3 मिनट तक अकेला ही पढ़ा भी होगा, उसमें कुछ होगा। लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैं राहुल जी से कहता हूँ कि हमसे तो डायरी टेबल नहीं करने दी गई हमारी, हमें विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया, हमें धक्के मार के विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया, एक साथ हमें बर्खास्त कर दिया। एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से कल जो घटना हुई विधानसभा में, शर्मनाक घटना की, शांति धारीवाल जी कहते हैं कि गुप्ता जी का केस बिगड़ा हुआ है। देखिए धारीवाल जी तो 10-10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, उसमें भी धारीवाल जी कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, ये तो मर्दानगी की निशानी है, तो इस ऐसे बेहूदे आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है।